इनके सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जाके इनको सपोर्ट करो। अब देखते हैं कैसा होगा ट्रैक, स्टार्ट करते हैं। कैसे खोया हूँ मैं, खोया तेरी जुल्फों में, आके मुझे मिल तो मैं भरा तेरी सिफतों से, राधे मेरे साथ के थे वादे मेरे गिन तो मैं, आके मुझे ढूंढ तो मैं अभी भी उन गलियों में, मेरे पीछे चली है जे दस किथे चली है वे, हजे ता तू नाल मेरे उनु केंदी कलियां, मैं देनु होया मीना होया साल भी दो साल होया, तेरे पासो लंघ तेनु रोंदा वेख हसी वे मैं, तेनु रोंदा वेख हसी वे मैं, रोंदा वेख हसी वे मैं, तेनु रोंदा वेख हसी वे मैं, फिर एक दिन आके बोल पड़ी वो मुझको इतना फॉर्मली के, अब तो बन जा दोस्त मेरा रहते है ना नॉर्मली, मैं बोला बेबी होपफुली आई नो यू नेवर लव मी, बस वो इतना सुन के रो पड़ी, इतना सुन के रो पड़ी, तू रहती है ना दिल में मेरे, आई एम इन योर खोपड़ी रे, तभी तो ना समझो मुझको भूली इतना इजीली रे, सोचो फ्यूचर कैसा होगा और वो बेड में कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लिसन बेबी नो वरीज, ऐसा होगा वैसा होगा, लिसन बेबी नो वरीज, इतना सुन के रो पड़ी, लिसन बेबी नो वरीज, की सोचे आसी मारे जाऊं, सोचे आसी सी तू मरे आवी मारे दानी, टेंशन ना लई तू, आदत तू बन गई आफत मैं बन गया, जदो दा तू छड़ गई मैं नी कुछ बन रहा, मैं नहीं कुछ बन रहा, मैं भी रब बन गया, देख कैसे खोया हूँ मैं, खोया तेरी जुल्फों में, आके मुझे मिल तो मैं भरा तेरी सिफतों से, राधे मेरे साथ के थे वादे मेरे गिन तो मैं, आके मुझे ढूंढ तो मैं, मेरे पीछे चली है जे दस किथे चली है वे, हजे था तू नाल मेरे उनु केंदी कलिया, मैं दिन होया ना होया साल भी दो साल होया, तेरे पासो लंघ तेनु, डैम दी एंड वाज अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, पता है जो वो लाइन थी ना, रहती मेरे साथ पर उन्हों कहती कर लिया मैं, मतलब मेरे साथ तू रहती थी और उसको कहती थी तू हाँ मैं अकेली हूँ एंड ऑल, वो लाइन ना काफी डीप लाइन थी, ये ना आफ्टर ब्रेकअप की स्टोरी है जितना मेरे को समझ आ रहा है, कि आफ्टर ब्रेकअप एंड देन वो आके बोलती है कि चल ना यार दोस्त बन के रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं, फिर वो एक दिन आके कि मेरे को कैसे फॉर्मली बोल गई कि चल नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मल करते सब चीजें, होता है कई लोगों को होता है वो बोलते हैं कि यार चल ब्रेकअप हो गया, चल हम फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं, बट यार किसी किसी को होता है, कोई रियल स्टोरी थी आई थिंक सो, बिकॉज यार इतना वो अपना पेन डाउन करने अपनी स्टोरी को, लाइक वी बोथ फेल्ट, ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ सिर्फ ऐसे ही गा दिया, कोई ऐसे ही नहीं लिख सकता, लिख सकते साथ आप बीती आप बीती होती है यार, इमोशंस होते हैं जो है ना, वो तो क्या ही बोलो, अब लड़का बोल रहा है कि मैं तेनु रोना देख हसी जावा, लड़की बोल रही है तेनु रोंदा, मैनु रोंदा देख हंसती तू, मतलब मैं रो रहा हूँ तू हंसती है देख के, लड़का बोल रहा है, मतलब जो लड़की थी डोंट नो लड़की जो है उसकी फीलिंग्स फेड अवे हुई है या फिर क्या है क्या नहीं सीन है,
बट जो लड़की है वो उसको रोते हुए देख के हंस रही है और फिर वो कह रहा है कि जब से तू गई है मैं कुछ भी नहीं बन पा रहा हूँ ना कुछ। काफी डीप लिरिक्स थे, अगर लिरिक्स की बात बहुत ही डीप लिरिक्स थे, अपनी ओन स्टोरी को पेन डाउन कराया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा अपनी इनर फीलिंग्स को जो कि एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है, उन फीलिंग्स को उन्होंने पेन डाउन करके और गाया और हम सभी तक लेके आया है, दैट इज रियली अप्रिशिएबल, बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप लोग अच्छे से समझ सकते हो जिनके साथ हो चुका है, मैं यही बोलूंगी जिनके साथ ये सब हुआ है वो काफी अच्छे से सॉन्ग को समझेंगे। फिर बीच में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी बिकॉज यार एकदम से लगा कि हाँ मैं सुनने में ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ही हुआ है, ऐसी चीज है, होता है, ऐसा होता है कभी कभी। वो डीप लिरिक्स की बात होगी ना, अगर डीप लिरिक्स होंगे जहाँ पर वो कहीं ना कहीं टच कर ही जाएगा, चाहे इसकी वीडियो होती ना, इसकी वीडियो होती ना तो और भी मजा आता देख। आपको ये थी अगर लड़का लड़की होते लाइक थोड़ा सा और तो नहीं, इवन लड़का ही होता ना खाली तो और भी अच्छी लगती वीडियो नहीं, जैसे बट अभी क्या था ऑडियो ट्रैक था ना तो टोटली हम लिरिक्स में ही खोए अभी फिलहाल के लिए, स्टोरी जैसा लगा के सुन रहे होता ना कि हाँ कि अगर लड़का लड़की दोनों साथ में होते वो दिखाते कि वो ऐसे ऐसे आई ऐसे बोला, अगर दिखाते तो बीच में पंजाबी टच आया वो तो हिलेरियस आई, वो मेरे को लगा कि यार पंजाबी अगर अच्छा पंजाबी आ गया ठीक है, बोला आगे भी थोड़ा पंजाबी होगा पंजाबी होगा, बट नहीं वो थोड़ा सा ना हिंदी आया, हिंदी आया और पंजाबी आया, वो काफी अच्छा लगा, काफी अट्रैक्टिव बोल सकते हैं उसको कि हाँ कानों को काफी सुकून मिला उसको सुनने के बाद। और बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी सॉफ्ट था, पियानो था, पियानो तो होता है इतना सॉफ्ट है, लो-फाई टच आ रहा था, लो-फाई टच स्टार्टिंग में आ गया, स्टार्टिंग में लो-फाई टच आ रहा था। और इसका पोस्टर जो था, मैं इसको पोस्टर को देख के मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि हाँ होगा थोड़ा सा फीलिंग, थोड़ा लव का होगा सॉन्ग जैसे होता है, बट ये ना इसका अपोजिट हो गया, अनएक्सपेक्टेड वाला सीन हो गया, ये हार्ट ब्रोकन डीप फीलिंग वाली स्टोरी है यहाँ पर। हाँ तो मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसे लिरिक्स होंगे, इसका थोड़ा सैड टाइप होगा, मैंने सोचा था होगा थोड़ा अच्छा होगा ना स्माइल एंड ऑल, बट ये थोड़ा सा यार डीप, थोड़ा काफी डीप भी हो गया ट्रैक, इनके बाकी ट्रैक्स में तो अपकमिंग ट्रैक सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, तो एक्साइटेड है आप लोग भी एक्साइटेड होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो इनके सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जाओ जाके इनको सपोर्ट करो, बिकॉज इतना अच्छा टैलेंट वो अपना शो कर रहे हैं तो हमें भी अपना सपोर्ट दिखाना, स्टार्टिंग कितनी अच्छी है तो आगे कितना अच्छा होगा ये देखो आप लोग। आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर अपकमिंग ट्रैक्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो कुनाल वर्मा देन प्लीज अपने अपकमिंग ट्रैक्स जल्दी जल्दी लेकर आओ ताकि मैं भी प्राउड से सुनूं और ये भी सुनूं और हमारे साथ आप सब भी सुनो। सो वीडियो शुरू करते वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, एंड हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग।